नमस्कार, इंडिया 2 PM देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आशीष चौबे। सबसे पहले बात करते हैं लेक सिटी उदयपुर की। दरअसल यहां पर पहुंची है कोरोना वैक्सीन की खेप। 1,05,000 वैक्सीन उदयपुर पहुंची है। इंडिगो की फ्लाइट से उदयपुर एयरपोर्ट पर कोविशील्ड वैक्सीन लाई गई है। राज्य स्तरीय स्टोरेज सेंटर में इसे रखा जाएगा। तो कोविशील्ड पहुंची है इंडिगो की फ्लाइट से उदयपुर एयरपोर्ट। राज्य स्तरीय स्टोरेज सेंटर जो है उसमें इसे रखा जाएगा, यानी कि समूचे राज्य में जहां जहां भी वैक्सीन को पहुंचाया जाएगा वो उसका एक मरकज कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि उदयपुर का ये कोविड स्टोरेज सेंटर है। यहीं से हर एक जगह पर भेजने की कोशिश की जाएगी। इसी तरीके से जो जो स्टोरेज सेंटर बनाए गए हैं व्यापक तौर पर, वहां की ये तैयारियां दिखाई पड़ रही है। अविनाश जगनावत जी मीडिया संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, बातचीत करते हैं। अविनाश, निश्चित रूप से जिसका इंतजार था वो घड़ी आई और अब ये कहा जा सकता है कि एक लड़ाई जो अदृश्य दुश्मन के साथ थी उसमें कहीं ना कहीं प्रहार के लिए हमने हथियार तैयार कर लिया है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा आशीष। जो हथियार चाहिए था वो यहाँ पे उदयपुर पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं कि जो कोविशील्ड वैक्सीन जो है वो यहाँ पर उसका खेप यहाँ पर पहुंच चुका है। 1,05,000 डोज यहाँ पर आए हैं एयरपोर्ट पे। एडीएम प्रशासन जो है ओपी बुनकर, उन्होंने और CMHO ने उसको रिसीव किया था। और आप देख सकते हैं कि यही वो वैक्सीन के अलग अलग बॉक्स है जिनको अब निकाल के जो स्टोरेज बनाया गया है बड़ी स्थित CMHO ऑफिस के अंदर, वहाँ पे इसको अंदर यहाँ पे रखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि पूरे सुरक्षा उपकरणों के साथ में इस कोविड वैक्सीन जो है, तमाम जो अधिकारी यहाँ पर मौजूद है और इस वैक्सीन को यहाँ पर रखने का काम जो है वो किया जा रहा है। 10 बॉक्सों में रख के इस वैक्सीन को यहाँ पर लाया गया है। ADM साहब हमारे साथ में है। सर, वैक्सीन यहाँ पे आ गई है, एक खुशी की बात है, बधाई आपको। सर, किस तरह से अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, कैसे इसको लगाया जाएगा? देखिए, इसमें ये संभाग पूरे संभाग के लिए जो है सभी ज़िलों का इसमें आया है, तो अभी जो बाकी संभाग के ज़िले हैं उनको भी सूचना कर दी है और उनके यहाँ से पुलिस गार्ड के साथ वैन लेने के लिए, वैक्सीन लेने के लिए अभी आ जाएंगे यहाँ पर। तो करीब 4 बजे तक उन सभी ज़िलों को भी वैक्सीन दे दी जाएगी। साथ में अपने जो 12 ब्लॉक्स हैं मेडिकल के, उन सभी ब्लॉक से भी अभी 3 बजे से ही लोग आने लग जाएंगे, उनको भी आज ही जो सभी ब्लॉक्स पे भी पहुंच जाएंगे वैक्सीन। सर, 16 से वैक्सीनेशन का काम जो है वो शुरू होने वाला है, किस तरह की तैयारी जो है वो यहाँ पर प्रशासन ने की गई है? और जिस दिन से वैक्सीनेशन शुरू होगा उसी दिन संबंधित केंद्र पे ले जाया जाएगा या पहले ही दे दिया जाएगा? नहीं, अभी आज ही ये संबंधित जो 12 ब्लॉक्स हैं वहाँ पहुँच जाएंगी और ब्लॉक से फिर आगे का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कल और परसों में हो जाएगा। मतलब 16 की बजाय 15 शाम तक सभी जगह पे जहाँ वैक्सीनेशन हो रहा है वहाँ तक ये वैक्सीन पहुँच जाएंगी और 16 से काम प्रारंभ हो जाएगा। 16 से काम प्रारंभ हो जाएगा। CMHO दिनेश जी खराड़ी हमारे साथ। दिनेश जी, किस तरह से ट्रेनिंग का काम जो है वो किया गया है, अब किस तरह की डिपार्टमेंट की जो तैयारी है वैक्सीनेशन को लेकर? सभी वैक्सीनेटर को ट्रेनिंग दे दी गई है। हमारी टीम जिला प्रशासन साथ पूरी तरह से रेडी है। आज जैसे हमको वैक्सीन मिली है, जैसा कि ADM सर ने हम बताया, आज जो ये जो वैक्सीन मिली है पूरे डिवीजन के लिए मिली है। सारे जिलों को इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, 4 बजे तक वो लोग आ जाएंगे और हमारे ब्लॉक में भी आज चले जाएंगे। उस वैक्सीन के साथ पुलिस के तरफ से सुरक्षा भी साथ में रहेगी और ब्लॉक तक जाएगी। ये डोज जो आए हैं कितने दिन में ये लगाए जाएंगे और अगला जो खेप जो है वैक्सीन का वो कब आना है? जैसा कि पूरे डिवीजन के हेल्थ वर्कर हैं उसका 10% के हिसाब से 1,05,000 डोज हमको मिली है और जो भी हेल्थ वर्कर है उनको 1 डोज मिलेगी। अभी 1 डोज के हिसाब से हमारे पास वैक्सीन प्राप्त हो गई है। बिल्कुल, 1,05,000 वैक्सीन के यहाँ पे आई है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम जो बॉक्स में अलग अलग रखी हुई यहाँ पे लाए गए हैं उनको अब स्टोरेज में यहाँ पर रखा जा रहा है। और जो तमाम जो क्योंकि संभाग की वैक्सीन यहाँ पर आई है और संबंधित डिस्ट्रिक्ट्स को भी आज ही वैक्सीन जो है वो दे दी जाएगी, उनको हैंड ओवर की जाएगी और साथ ही जो जिले के 12 ब्लॉक है वहाँ पर भी इसको पहुँचाया जाएगा। और जिस तरह से निर्धारित जो तैयारी की गई है कि 16 तारीख से वैक्सीनेशन का काम जो है जो सरकार ने तय की है गाइडलाइन, उस गाइडलाइन के हिसाब से शुरू किया जाएगा और साथ ही उसकी ट्रेनिंग का काम जो है वो लगातार चल रहा है। आप देख सकते हैं कि तमाम वैक्सीन जो है यहाँ पर जो कोल्ड स्टोर बनाया गया है बड़ी बड़ी में, वहाँ पे अंदर रखा जा रहा है इसको और
पूरी पुलिस की पहरे में ये पूरी वैक्सीन यहाँ पे रहेगी और कहा जा सकता है कि कोरोना का जो एक खौफ था बिल्कुल एक तरीके से अविनाश ये तस्वीरें कुछ वैसी ही है वो अब यहाँ पे पहुंच चुका है। अविनाश ये तस्वीरें कुछ वैसी ही है जब चुनाव होता है आप देखिए कि ईवीएम को लाकर एक स्ट्रांग रूम में रख दिया जाता है उसकी कई लेयर्स में सिक्योरिटी की जाती है उसके बाद काउंटिंग के दिन जैसे वो निकाली जाती है और काउंटिंग होती है और परिणाम सामने आते हैं कुछ ना कुछ वैसी ही तस्वीर एक तरीके से है क्योंकि परिणाम ही तो हम देख रहे हैं और इसी पर तो सभी का फोकस है कि वैक्सीनेट करेंगे जान बचेगी। आपने देखा कि बताया भी आपने कि 1 लाख से ज्यादा वैक्सीन यहाँ पर स्टोर की जा रही है अलग अलग तरीके से यहाँ से पहुंचाई जाएंगी। क्या उदयपुर संभाग में टोटल कितने लोग रजिस्टर हैं जिनको ये वैक्सीनेट किया जाएगा क्योंकि ये कहा जा रहा था शुरू में करीब 4 लाख के आसपास वो संख्या होगी जिनको सबसे पहले चरण में हम वैक्सीनेट करेंगे सरकार की तरफ से ये कहा गया है। जी बिल्कुल देखिए जो सरकार ने गाइडलाइन तय की है जो कोरोना वॉलियर्स के रूप में जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं उनको पहले चरण में वैक्सीन लगाई जाएगी और उसी को लेके तैयारी की जा रही है लगातार जो उसका जो ड्राई रन जो है वो आज भी किया गया है जिस तरह से कहा जा सकता है कि वैक्सीन के बाद में जिस तरह की सावधानी बरतनी है उसकी यहाँ पर तमाम तैयारी की गई है। निजी चिकित्सालय जो सेंटर होंगे वहाँ पर भी वैक्सीनेशन किया जाएगा और साथ ही सरकारी भी किया जाएगा दोनों को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है और एक उसमें इंचार्ज लगाया गया है ताकि पूरी तरह से मॉनिटरिंग इस वैक्सीनेशन की हो सके और मैं आपको वो कोल्ड स्टोर जो है अंदर उसको दिखाने के मैं कोशिश करूंगा कि किस तरह से यहाँ पर इसको रखा जा रहा है। आप देखिए कि तमाम जो वैक्सीन यहाँ पर आई हैं उसको अब यहाँ पर रखा जा रहा है और जो निर्धारित टेम्परेचर जो है उसमें यहाँ पर रहे उसको यहाँ पर बाकायदा ध्यान रखा जाएगा। आप देखिए कि जो टेम्परेचर वैक्सीन का होना चाहिए वो यहाँ पर रखा गया है और इस तरह की अगर उदयपुर की बात करें तो करीब 2.5 लाख से भी ज़्यादा वैक्सीन को स्टोर करने की यहाँ पर कैपेसिटी जो है ये की गई है यहाँ पर और अगर अगर दूसरी खेप भी जल्द यहाँ पर पहुँचती है तो उसको भी यहाँ पर स्टोर करने के लिए लेकर पूरी व्यवस्था बाकायदा यहाँ पर की गई है। और जो एक तस्वीर में आपको दिखाऊंगा कि जिस तरह से यहाँ पर पुलिस के जवान बहुत बहुत सारी क्यूरियोसिटी थी लोगों में कैसी होगी क्या होगा इसमें क्या कुछ लिखा होगा कायदा स्कोर करके यहाँ पर जी जी अविनाश बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी लोगों में है कि आखिर ये वैक्सीन कैसी होगी। बहुत सारे मैं देख रहा हूँ कि एक बॉक्सेस हैं जिनके अंदर रखी हुई है सिक्योरिटी लेयर्स भी यहाँ पर है हर एक कोशिश यही है कि वैक्सीन को प्रॉपरली लोगों तक पहुंचाया जाए उन्हें वैक्सीनेट किया जाए और उसको ये भी देखा जाए परखा जाए कि आखिर इसका असर कैसे हो रहा है और उसके क्या कुछ और प्रावधान होंगे वैक्सीनेट करने के वो भी हम देखेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी और इन तस्वीरों के लिए। निश्चित रूप से एक तरीके की जीत कोरोना पर कही जा सकती है उसकी एक शुरुआत है ये लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा जान बचेगी ये सबसे ज्यादा जरूरी था और इसी पर पूरा फोकस कहीं ना कहीं राज्य सरकार का भी रहा है लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो या स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा लगातार इस पर उनके विचार होते रहे और केंद्र की तरफ से ये जो पूरी व्यवस्था है जिसमें राज्य और केंद्र के संबंध कहीं ना कहीं नजर आए हैं इसके हिसाब से लोगों की अब जान बच पाएगी ये कहा जा सकता है। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप जयपुर भी पहुंच चुकी है और पहली खेप में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन जयपुर भेजी गई है और शाम 4:30 बजे भी वैक्सीन की एक खेप आनी है यहां कहा जा रहा है और पुणे से कोविशील्ड वैक्सीन जयपुर पहुंचेगी वैक्सीन स्टोर करने के लिए सेठी कॉलोनी में स्टोरेज सेंटर पर इंतजाम किए गए हैं। राजस्थान में पहले चरण में आपको बता दें कि 59,600 हेल्थ वर्कर्स हैं रजिस्टर हैं जो कोविन ऐप के जरिए उनको सबसे पहले वैक्सीनेट किया जाएगा। तो जयपुर की तस्वीर आप देखिए स्टोरेज सेंटर और वैक्सीन की पूजा आप देखिए कि कहते हैं शुभ काम को किसी भी तरीके से आप करें या जब हमारे दिमाग में यह चलता है कि इसके परिणाम कम से कम शुभ जरूर हो भले उसमें कितनी भी चुनौतियां आए तो औपचारिक तौर पर किसी चीज की शुरुआत कुछ ऐसे ही की जाती है जिसकी तस्वीरें फिलहाल हम देख पा रहे हैं। मुझे आज बहुत खुशी है पिछले 10 माह से हम कोरोना के लिए दिन रात जंग लड़ रहे हैं आज हमें खुशी है कि हम कोरोना हराने के लिए एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं। हमारे प्रदेश में वैक्सीन आ गई है और वैक्सीन आने के बाद हम वैक्सीन प्रोग्राम को भी उसी ढंग से उसी लगन से जिस तरह से हमने काम किया कोरोना हराने के लिए उस ढंग से काम करेंगे। मेरी पूरी टीम दिन रात काम करके हर आदमी तक वैक्सीन पहुंचाने की कोशिश करेगी।